जाने जाना रब दा फैसला। अरे क्यों कहले चली जा रही हो, हालांकि पहली दफा कोई काम का गुड़ खिलाया है सुल्तान ने, बड़ा ताजा ताजा डस पहुंची है मुझे उस खानदान से। दद्दू आपको प्रपोजल सही लग रहा है? अरे पहली दफा तो कोई ढंग का प्रपोजल आया है वहां से, वरना निग्गी शिग्गी और वो डिम्पल शिम्पल अजीब अजीब सैंपल निकलते थे वहां से। चलो जी गई भैंस पानी में। दद्दू में पीएचडी? अरे क्या पीएचडी भाई, साफ इनकार करेंगे, उनको रिश्ता पसंद नहीं है हमें। नहीं इनकार कौन करेगा, मैं दद्दू पता है अभी ना बकरी की तरह मैं करने का वक्त नहीं है, ना तोते की तरह टैटे करने का भी वक्त नहीं है। एक तो बकरी की मिसाल ही तुम्हें टेक्निकली गलत दी है, अगर बकरे के बारे में कहा होता तो मैं शायद और भी कर लेता। दद्दू आप माने या ना माने, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़। सिमा परफेक्ट रिश्ता है तुम्हारे लिए। दद्दू आपको क्या परफेक्शन नजर आ रही है इसमें? देखो कुकिंग सारी सरमत कर लेगा, पढ़ाई से भी तुम्हें नहीं रोकेगा, बाकी काम हलीमा कर लेंगी, और तुमने वहां जाके बस तमन्ना बेगम का कारोबार ठप करना है, तभी सुकून मिलेगा दद्दू हैंडसम को। दादू आप मेरी बात को सीरियसली ले रहे हैं? मैं तुम्हें नॉन सीरियस लग रहा हूँ? आई एम डैम सीरियस। तो सुल्तान भाई ने खुद बात की माँ के रिश्ते के लिए? नहीं मैंने खुद गढ़ ली। अरे उन्होंने बात किया तो बता रहा हूँ ना। वैसे प्रोफेसर सालिहा के बेटे से तो लाख दर्जे बेहतर है ये सरमद। वैसे सरमत की तालीम इब्तिहाद से कम है। तालीम से क्या होता है, मैंने भी तो इतने साल गुजार ही लिए ना आपके साथ। सरमत होनहार है, मेहनती है, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ अपनी बेटी से पूछ लो उसे पसंद है कि नहीं। जाके उन्हें बताओ कि तुम्हें ये प्रपोजल पसंद नहीं है। कैसे बताऊं, ऐसी बातें मुंह से इशारों से थोड़ी बताओगी। अम्मी बहुत खुश नजर आ रही थी। शादी तुम्हारी होनी अम्मी की नहीं। हाँ तो वो हर्ट हो जाएंगी ना। मैं भी कहीं दिलों में से तेल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जाओ तुम्हारी जिंदगी का मामला है, वरना दोबारा किसी अरे घर से रिश्ता कर देंगे तुम्हारा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे समझ आ गई कि ये आखिरी छक्का भी मुझे ही मारना होगा जावेद मियां दाद की तरह। कहाँ जा रही हो? आखिरी एग्जाम में टेंशन मत ले। क्या वो है, क्या, क्या, क्या हो गया, इंसानों की तरह नहीं चल सकती? जरूर चलती, अगर सामने भी किसी इंसान से बात करनी होती तो। खुद को क्या समझती हो? मैं जो भी समझती हूँ। तुम लोगों ने किस खुशी में प्रपोजल भिजवाया हमारे घर? तुम्हारे लिए नहीं भिजवाया। मर कर भी मत सोचना मेरे बारे में। ओ तुम्हारे लिए सोचने से अच्छा कि बंदा खुद मर जाए एक चुटकी जहर खाकर। तुम जैसे इंसान ना चुटकी भर जहर खाकर नहीं मरते। नहीं 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 नहीं, दो चार किलो नीला थोता मंगवाना पड़ता है तुम लोगों के लिए। और तुम जैसों को मारने के लिए एक छोटी मोटी गोली नहीं काफी है, हमें पूरा टॉप गिराना पड़ता है तुम्हारे ऊपर। सचुप बस बता देना अपने सरमत भाई को, मेरी बहन के बारे में सोचे भी ना। शुक्र करो कोई सोच तो रहा है। क्या मतलब, क्या कमी है मेरी बहन में? कोई अनपढ़ जाहिल गवार है या कोई गिरी पड़ी है? नहीं बहन तो सही है, तुम्हारे साथ मसला है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक के साथ एक फ्री जो होती जाएगी फैमिली के साथ। तो किस पागल ने मशवरा दिया था हमारे घर प्रपोजल भिजवाने का? एक्चुअली हमारे अब्बा जो है ना वो सुबह सुबह अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल गए, तो इसलिए तुम्हारे घर पहुंच गए। कौन है गेट पे? और खामखा के पड़ोसी। जा रही हूं, लेकिन बता देना अपने भाई और बाबा को महा की तरफ से साफ इनकार है। ठीक है, महा ने अपनी जुबान तुम्हें कराई पे दी हुई है जो चमगादड़ की तरह आके तुम कान पे चिपक जाती हो। हाँ तुम्हारे जैसे मुर्गे के साथ ना हम चमगादड़ों को ही आना पड़ता है मैदान में बात करने के लिए। मैं मुर्गा तो तुम शुतुरमुर्ग। मैं शुतुरमुर्ग तो तुम कौवा। मैं कौवा तो तुम भैंस। मैं भैंस तो तू गेंडा। मैं भैंस तो तुम रीछ। मैं रीछ तो तुम कोमोडो ड्रैगन। पता है कोमोडो ड्रैगन क्या होता है? पता है ठीक है। परे हट जरा तू जो पास आए। तुमने मेरा नाम लेके अब्बा को इनकार किया है? जाहिर सी बात है जब प्रपोजल तुम्हारा आया है तो तुम्हारी तरफ से इनकार होगा। और अगर उन्होंने इसको बता दिया तो? शायद इकबाल की खुद ही जिंदा हो उनके अंदर और अब्बा तक ये बात पहुंचने की नौबत ही ना है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, नहीं पता चल गया तो क्या होगा। बहन अभी ईशा की नमाज पढ़ने दो, दुआ करूंगी कि अल्लाह हमारे हमसाइयों को गैरत की दौलत से माला माल कर दे। बोलो आमीन आमीन आमीन। ये टेंशन हो रही है कि मेरी शक्ल ही खराब हो रही है, मास्क लगा लेती हूँ। माहा? जी अम्मी। तुम्हारा नाम माहा है तो फिर सो जाओ। बेटा ये सेट्स हैं, इनमें से देख लो तुम्हें कौन कौन सा पसंद है।
अम्मी या हम इनकार करने का सोच रहे हैं और आपने तैयारियां भी शुरू कर दी। तुम चुप करके नमाज पढ़ो। हद है। बेटा बता देना। हाँ जी। मास्क कहाँ? साशा उठो। क्या बात है? मास्क कहाँ? मास्क ये रहा। ये नहीं फेस मास्क, मड मास्क। ओ इसके अंदर पड़े। कहाँ छुपा रखा था अम्मी ने ये माल? तुम पहले नमाज तो पढ़ लो, रिसर्च वर्क बाद में करना इस पे। सॉरी सुन, जब तुझे कोई खतरा महसूस हो ना जी बस मेरे नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है? बस इसमें बैलेंस नहीं है। अरे गरीब इंसान, ये ले मुझे मिस कॉल कर देना। चलो बोस बोस बोस, आपके मोबाइल से मैं आपको फोन कैसे करूंगा? ला अपना मोबाइल ला दू। मेरे नंबर से तू अपने नंबर पे कॉल करके बता देना मुझे, ठीक है? अब समझ गया? चलो भाई। बोस बोस यार, मुझे अपना नंबर याद नहीं है। अबे पकड़िए, इसके नंबर पे कॉल कर देना अब, ठीक है? कौन सा वाला है? मास्क उतार। ओके ओके चलो चलो। मुझे तो लगता है प्रिश्ता लेने नहीं गए थे, डाका डालने गए थे कुतुब भाई के घर। अगर मुझे पहले पता होता ना कि कुतुब ने इतना खजाना दबा के रखा है तो कई साल पहले डाका डाल दिया होता। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। हाँ तो दिन रात मेहनत की है उन्होंने, आपकी तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहे। चलो तुम्हारी औलाद को भी इतनी सारी जायदाद मुफ्त मिल जाएगी, वरना वो रेस्टोरेंट में अपनी हड्डियां भी गला देना तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। ये बात थर्मत को पता चली ना तो बहुत हर्ट होगा वो। लो तो पहले कौन सी तुम्हारी औलाद कभी खुश हुई है मुझसे जॉब होगी? सारी नाशुकरों की कौम हमारे घर में पैदा हो गई है। देखकर लगता है डकैती पड़ चुकी है। अबे मेट नहीं होगी यार। अबे बकवास बंद करो अपनी, टाइम देखा है तुम लोगों ने? सब लोग सो रहे होंगे, इससे पहले कि और बकवास याद करो काम पे चलो। चलो चलो चलो, तुम उस कमरे में जाओ। चलो चलो वेट। अगर शोर किया इधर ही गोली मार दूंगा। चल कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। चलो चलो आराम से जा रहे। हाँ हाँ आप सुन रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। चलो टाइम नहीं है मेरे पास भाई, क्यों लेना ले लो। चलो आगे चलो। बुलाइए चुप लेके जाओ। बीबी क्या करती हो तुम? जान निकाल दी तुमने? अरे इधर तुम सबको ड्राइंग रूम में लेके चल, वो सबसे पहले इसका मुंह धुलवा। चलो 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 नीचे करो। अल्लाह डॉट नहीं।
बीबी जल्दी नमाज खत्म करो प्लीज। रिश्ता भिजवाते हुए आप इतनी बड़ी चट्टान कैसे भूल गए? मुझे क्या पता था इतना नापसंद करती होगी वो। ये सिर्फ नेहा के दिमाग का खलल है, वरना महा तो बड़ी सेंसिबल है ना? क्या पता महा ने खुद भिजवाया उसे। अरे छोड़े भाई, उस चलते फिरते बॉम्ब को कौन भिजवाएगा, वो तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाती है। मैं महा से बात करूं? राय मार ले। भाई भाई क्या हुआ, तुम्हारे पीछे डाकू लग गए क्या? डाकू तो साशा के घर पे आ गए, उसका मैसेज आया है मुझे। है? क्या? अरे भाई छोड़ें, ये कुतुब महल की शहजादियों की प्लानिंग है हमें मजीद जलील करने की। एक और मैसेज आया कि प्लीज कॉल द पुलिस अर्जेंट। हाँ, ताकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर पुलिस हमें पकड़े। ये कुतुब महल की शहजादियों के दिमागों पर ना आफरीन भाई आफरीन। नहीं यादव, साशा ऐसा मजाक नहीं कर सकती, हमें जाना होगा हेल्प करने के लिए। भाई मुझे माफ रखें, आपको जाकर बेवकूफ बनना है बन जाए, ये बस थोड़ी देर पहले वाली बात का बदला लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, मैं जा रहा हूं। तो पढ़कर डिलीट नहीं कर सकती थी मैसेज? भाई शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ए, उस घर से सिर्फ बेस्ट एनिमीज निकल सकते हैं, बेस्ट बडीज नहीं। हमने पूरा घर इकट्ठा कर लिया, तुझसे एक लड़की निकाली नहीं जा रही। अबे वो नमाज पढ़ रही है, वो भी गोल्ड पहन के, क्या करूं मैं? वो अगर सुबह तक निफले पड़ती रहेगी तो क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? देख भाई, चोरी चकारी अपनी जगह, लेकिन जहां अल्लाह का नाम आ जाए ना वहां मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। मम्मी, ये अल्लाह खैर। ओ भाई, एक के साथ एक फ्री। उसको जरा लेके चलना, उसके बाद मैं इस नेक खातून को लेके आता हूँ अपने साथ। चलो 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 चलो, सब चीजें लो, चलो चलो चलो। शुक्र है किसी बहाने आपने नमाज तो खत्म की। कौन है आप लोग? मौजूद शहरी जी। सारा इंटरव्यू यही नहीं होगा, सबके सामने तुम्हें जाके बाहर इंटरव्यू दूंगा, चलो जल्दी करो। पिस्तौल संभाल के प्लीज, पता ही चल भी सकती है ना। हाँ तो चलाने के लिए रखी है, खेलने के लिए थोड़ी रखी है। चलो शाबाश, करो ये जेवर। जान नमाज तो रख दूं भाई, है ना, जल्दी करो। जी जी। हाँ करो। बहुत बड़ी फनकारी से गेट कूद कर अंदर आ रहा था। अबे यार ये क्या तरीका यार, मतलब ज़बान से बात कर सकता है, ये हाथ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? भाई वो वॉशरूम यूज कर लूं? नहीं। अच्छा अच्छा, पानी तो पी लूं ना, पानी तो पी लेने दे। ओ बहन, तुम हमारे घर में मेहमान नहीं हो, हम तुम्हें लूटने आए हैं, लूटने। चलो उतारो जेवर। भाई बहन भी कह रहे हो, फिर कह रहे हो जेवर उतारो। देखो इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो उतारो जेवर, जल्दी करो। भाई मैं पिस्तौल पकड़ लूं? खबरदार, कोई चला के नहीं चलेगी। जी। तो मीडिया हो रही है क्या? नहीं। चलो आगे, लेडीज फर्स्ट। अच्छा वो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा वो ग्लास पड़ा हुआ है। ओ बहन, कमरे का क्या हाल किया हुआ है तुमने। चलो शाबाश, चलो 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 चलो। ओ भाई, एक और शिकारी मिला है, बड़ी मुश्किल से उठाया है जाए नमाज से। चलो बैठो वहां जाके। चलो चलो चलो। और बस यही जेवर मिला है? ये मेरी बेटी के जहेज का जेवर है। अब उठे, ज्यादा होशियारी नहीं समझा। ओए मेरे अब्बा से तमीज से बात करो। अच्छा चलें तुम्हारी साथ कर लेता हूँ मैं, ऐसे बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने अब्बा से। और महा को मतलब किसी को भी कुछ कहा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, तेरी फूफी की बेटी है? नहीं कुतुब की बेटी है, मतलब कि ये गंद खा के क्यों बात करो, जमान से बात करो ना। चल बे इसी कलपटी पे गंद रख। कहाँ छुपा के रखा है जेवर? हमारे घर पे कुछ नहीं है। नेहा तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो भाई साहब फिर आप ही बता दें कि कहाँ छुपा के रखा हुआ है खजाना। मैं बताऊं। मेरा टाइम जाया मत करो, बता दो, हम सुकून से माल मंडी जमा करके घर जाएं और आराम से बैठ के अपना फेवरेट ड्रामा देखें। कौन सा ड्रामा बॉस? मैंने भी आखिरी की दो किस्ते नहीं देखी। 7 बजे वाला, 8 बजे वाला, कौन सा? चुप कर।
करके बता वरना एक गोली यहाँ मारूंगा नहीं एक गोली यहाँ मारूंगा नहीं नहीं मैं बता तो कहाँ अरे ये एंटी गुड्डा कहाँ से चलता हुआ आ रहा है यार पार्टी पार्टी चल रही है इधर कोई ये तो अपना जिगर दद्दू हैंडसम है दद्दू ये हो क्या रहा है यहाँ पे लूट मार सेल चल रही है आपको अपना हिस्सा डालना है भाई जबान संभाल के मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका दादू से बदतमीजी नहीं करनी दादू जी एक सेल्फी हो जाए ना प्लीज दद्दू हैंडसम फैन क्या हो रहा है ये जाना चाहिए फैन हो तुम मेरे ही घर में जाकर डालने के लिए आ गए मेरे ही बच्चों को हाथ पांव बांध के बिठा दिया यार कमाल बना के एक घंटा हो गया समझा कि कॉल नहीं आई भाई मुझे नहीं लगता कि साशा झूठ कह रही थी उसको फोन करके देख लेते हैं ना तो क्या अगर सचमुच में डाकू है वो उसको फोन अटेंड करने देंगे क्या मैं तो कहती हूँ पुलिस को कॉल कर दो तो अगर ये झूठ हुआ तो झूठ हो तो हम पुलिस को साशा के मैसेजेस दिखा देंगे वो लोग ही फंसेंगे ना अरे वाह मिली तेरा दिमाग तो बड़ा चल रहा है अभी कॉल करता हूँ मुझे पता नहीं था कि ये आपका घर है ना तुम जाओ शाबाश अरे बॉस क्यों आ रहे इस बुट्टी की बातों में ओए फीके जबान संभाल के दद्दू के खिलाफ उठने वाली जबान में काट दूंगा लो जी बॉस ने तो यू टर्न मार लिया तुम लोग मेरे वालिद को कैसे जानते हो अरे इनको कौन नहीं जानता ये टिकटॉक की दुनिया के बेताज बादशाह है बादशाह वैसे वो दद्दू वो जो आपने वीडियो बनाई थी वो वाली झींगा लाला हूँ हुर 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 अरे वो बर्थडे पार्टी में खूबसूरत हसीन लड़कियों के साथ जो आपने डांस किया था वो क्या उन लड़कियों के नंबर मिल सकता है मुझे बताए ना दद्दू दे देना प्लीज दद्दू दे दे तुम लोग बहुतान लगा रहे हो मेरे शरीफ बाप पर अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई ये देखो ये वाली देखो कितनी मस्त है किस तरह नाच रहे हैं अब्बा हाँ अस्तगफुरुल्लाह क्या भद बॉस दद्दू से बोले वो धड़क भड़क में डांस करके तो दिखा दे जरा अरे खबरदार दद्दू ऐसे वैसे कुछ नहीं करते यहाँ पे वैसे दद्दू ये पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाला एंटीक पीस कौन है बताएं कभी आपकी वीडियोस में तो नहीं देखा बताएं बताएं ये पॉपकॉर्न नहीं ये मेरा होने वाला दामाद है भाई अरे दामाद जी माशाल्लाह माशाल्लाह अरे दूर हो जाए इससे हमारे यहाँ दामाद की इज्जत की जाती है माशाल्लाह क्या दामाद है वैसे देखा नहीं है कभी उसको आपकी वीडियोस में बस माल मंडी का क्या कर रहे हैं अरे शर्म करो दद्दू का माल मंडी लूट कर लेके जाओगे देखो इनको दादू की पोतियां और ये इनके जहेज के जेवर दादू मेरी तरफ से ना आपकी बच्चियों के लिए 5,000 रुपया ये ले ये ले बॉस मट्टी डालो दादू पर छापा पड़ गया है ये वाले जेवर तो उठा लेते खबरदार किसी चीज को हाथ नहीं लगाना दादू मैं चलता हूँ एक आखिरी आखिरी सेल्फी हो जाए आपके साथ सारे आ जाओ मेरे हाथ कौन खोलेगा पैर तो खोले चले कॉल आ गई हेलो हाँ पुलिस आ गई है अच्छा ओके हाँ मैं आ रहा हूँ भाई 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 मैं भी चलूँ मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा वहाँ डाकू होंगे पुलिस होगी पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा फिर तो मैं भी चलता हूँ ना फिर मैं चलता हूँ ना तेरा कराटे नहीं काम आने वाला घर में जा सर पुलिस जा चुकी है वो मैंने डाकू के होली भी बता दी पुलिस को शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ नुकसान तो हो गया जाते हुए कुछ ले गए हाँ मेरी उम्र भर की इज्जत लूट कर ले गए शुक्र करें दद्दू की वजह से हमारी जान बच गई हाँ और हमारा जेवर भी तो बच गया साशा इधर आओ
अब्बा मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपने दद्दू हैंडसम का अकाउंट खोल कर दो मुझे फौरन। वो दद्दू ने सिर्फ मजाक में बनाया था अंकल, है ना दद्दू? तुम जानते थे आदम? क्या तुम्हें भी पता था? जी सर। हाँ तुम्हें तो यकीनन पता होगा। जी अब्बा। और तुमने यकीनन इसे छुपाया हुआ होगा। वो महा तुम जानती थी? इसका मतलब है कि इस पूरे घर में मैं ही था जिसे इस बात का नहीं पता था। दद्दू अकाउंट हैक हो गया और डिलीट हो गया। क्या? नहीं नहीं ओ जी सर, वो दद्दू का बीपी शूट हो गया था लेकिन अब जरा स्टेबल है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है आदम? नहीं नहीं सर, आप रिलैक्स रहें, ड्रिप खत्म होगा तो हम घर ले आएंगे। ओके थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या कहा? ड्रिप लगी हुई है, खत्म होगी तो आ जाएंगे। कहा भी था जाने दो मुझे, उठाकर नेहा को भेज दिया लड़कों के साथ। आप भी चले जाते तो हम तीनों बिल्कुल अकेली हो जाती। जी, और अगर वो डाकू वापस आ जाते तो क्या होता? हाँ बड़ी फैन फॉलोइंग है तुम्हारे दादू की। हाँ ये डाकू अगर थोड़ी देर और रुकते ना तो बेयत कर लेते उनके हाथ पर। लोग ना दादू से बहुत प्यार करते हैं। ये तुम इस तरह की नॉनसेंस बात कर रही हो? जरा सोचो, लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे? माइंड मत कीजिएगा अब्बा, लेकिन लोग उस वक्त कहाँ थे जब दादी का इंतकाल हो गया था और दादू डिप्रेशन में चले गए थे और आप भी उन्हें छोड़ के यूएस चले गए थे अकेले। क्या क्या मतलब तुम्हारा? मैं दुनिया के सारे काम छोड़कर उनके घुटने से लग जाता। अब्बा आप उनकी इकलौती औलाद हैं, अगर ऐसा कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता अब्बा? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब के पास ना उनके लिए वक्त ही नहीं था। अब भी कहाँ है टाइम, सारा दिन वो आगे पीछे घूमते रहते हैं तुम लोगों के, तुमसे बात करने के लिए। यही तो अलमिया है, हम घर के बुजुर्गों को घर में रखे फर्नीचर की तरह ना अहमियत नहीं देते। हमें लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी करके हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो और क्या करें? अब्बा कुछ नहीं करें, उन्हें सिर्फ उनके हिस्से का वक्त दे दें ईमानदारी के साथ, उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। और अगर दादू खुश होंगे ना फिर आप देखिएगा दादू हर बीमारी से अच्छी तरह लड़ जाएंगे। ये टिकटॉकर बनने का मशवरा किसने दिया? वो नेहा बाजी ने, सिर्फ उनको बिजी रखने के लिए। बिजी रखने के लिए और भी कई काम होते हैं, ये जोकरों वाली थर्ड क्लास वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता है। हद हो गई, प्रोफेसर कुतुब का बाप ऐसे थर्ड क्लास काम करता है। I'm sorry अब्बा, लेकिन कोई काम ना अच्छा है बुरा नहीं होता, उसे हम बनाते हैं। अफसोस की बात यह कि अब भी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे तो फिर और क्या सोचूं? अब्बा हमारे वालदैन हमें इतना बड़ा इसलिए नहीं करते कि हम उन्हें अकेला छोड़ के अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएं। और खुदा के लिए दादू को स्टेज से मत लाएं कि वो बजाहिर तो जिंदा हो लेकिन अंदर से मर चुके हों। और किसी का बाप थिएटर एक्टर हो या टिकटॉकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन करके पूछे ना ड्रिप कब खत्म होगी। अरे ड्रिप है, कोई तेजगाम की रेलगाड़ी नहीं है, अपने टाइम पर ही खत्म होगी। महा आपी 2 मिनट बाहर आए, आपसे एक बात करें। आए ना, आए ना आपी। अंकल हिले नहीं, ड्रिप हिल जाएगी। अरे अंकल का पूरा वजूद हिल गया। तुम कह रही हो हिले नहीं? अरे सफीउल्लाह कैसे पूरा होगा पूरे 1 मिलियन का नुकसान? दद्दू हौसला करें ना, क्या हो गया? सोचो तो, मकाफात अमल है। बाश मैं भी हैरान थी कि मुर्दा अपना कफन फाड़ कर क्यों नहीं बोला। हाँ तो कौन सा गलत कहा, दुनिया जहाँ के अकाउंट हैक किए तुम्हारे गैंग ने। शर्म कर,
शर्म करो, एक बीमार बंदे के सर पे खड़ो के ऐसी बातें करो। अरे ऐसे किसी नादीदा दुश्मन ने छुरा घोंपा है सफीउल्लाह की कमर पे। वैसे दद्दू मुझे ये निगी डिंपल वाली की सोशल मीडिया टीम का काम है। अरे रहने दो, निगी डिंपल वाली है वो 365 फॉलोअर वाली की हो गई सोशल मीडिया टीम। बस दद्दू यही गुरू ले डूबा आपको। जुबान पर कंट्रोल करो वरना घर जाओ। दद्दू ये मिलने आए आपसे, कुतुब मंगल ने भेजा है। जी मैंने पहले भी कहीं आपको देखा। नहीं मगर मैंने तो नहीं देखा, मेरी तो याददाश्त ही काम नहीं कर रही। इनको कुतुब अंकल ने भेजा आपका बयान लेने के लिए। लो दद्दू का स्पेशल बयान क्यों चाहिए? क्योंकि वो डाकू इन्हीं के फैंस थे। अरे मेरा बैठे बैठे 1 मिलियन का नुकसान हो गया। 1 मिलियन रखा हुआ था घर में आपने, फिर तो यकीनन ये किसी घर के भेदी ने लंका ढाई। किस पर शक है आप? लो इनका नया राग शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पैसों की बात ही हो रही यहाँ पे, ये कुछ और है। $1 बिलियन थे क्या? नहीं सर, इनके टिकटॉक अकाउंट में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। क्या फॉलोअर्स चोरी हो गए? सर इनका टिकटॉक का अकाउंट है, वो किसी ने हैक किया और हैक करके डिलीट करवा दिया। पता नहीं मैं समझा, पता नहीं क्या हो गया है। बुजुर्गो ये आपकी उम्र है सोशल मीडिया चलाने की, और कब्र में पांव लटके अल्लाह अल्लाह करो जी आप। नेहा बाहर निकालो इसे, वरना इसकी यही अल्लाह अकबर करता हूं अभी। लगता है बाबे का दिमाग चल गया, और सुबह थाने ले आइएगा इन्हें। और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं फॉलोअर्स रिकवर करवाता फिरूं। अरे जाएगा उसे। रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स भाई, मौत का फरिश्ता ला के खड़ा कर दिया मेरे सर पे। मैं नहीं बात कर रहा हूँ किसी से अब। आए जल्दी है, बोलो क्या हुआ? जल्दी आए ना, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या है? दद्दू का अकाउंट हैक नहीं हुआ था। हैक नहीं हुआ था तो फिर क्या हुआ था? जब डाकू ने दद्दू का भांडा फोड़ा था ना, उस वक्त मैंने फटाफट उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। अच्छा, तभी अब्बा के फोन पे दादू का अकाउंट नजर नहीं आ रहा था। हाँ, और तुम ये बात अब बता रही जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए। आप ही मौका ही नहीं मिला था, अब्बा कितने गुस्से में थे। साशा तुम कितनी स्टूपिड हो। अब आप जल्दी से दद्दू को इन्फॉर्म तो कर दे। जाहिर है उन्हें कॉल करके बताऊंगी, वरना उनकी सास से काम बहाल होगी। दो तरफ से एक बात बताऊं आपको, इसमें बैलेंस नहीं है। पकड़ो इसे फिर, जल्दी से बता दीजिएगा। दद्दू चले घर, ग्रिप खत्म हो गया आपका। हाँ तो तुम क्या चाह रहे हो, जिंदगी खत्म हो जाए? दद्दू अल्लाह ना करे। अब भाई बताएं डॉक्टर ने क्या कहा? दद्दू डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा था, वो अब नॉर्मल हो चुके हैं, अब बिल्कुल ठीक है, अब जा सकते हैं। वैसे भी घर से कई कॉल्स आ चुकी हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तुम दोनों घर जाओ, नेहा मेरे पास आई। तुम ना अपनी जबान में बताओ इन्हें कि इनके साथ कोई मसला नहीं। बीमार तुम हो या दद्दू? अल्हम्दुलिल्लाह हमें से कोई भी नहीं। मियां जिस तन लागे वही तन जाने। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, I am not feeling well, तो मैं नहीं जाऊंगा इस अस्पताल से। समरथ भाई आप दोनों घर जाएं, मैं यहाँ दद्दू के साथ। नहीं तुम यहाँ पे अकेली क्या करोगी? महा की कॉल आ, हाँ वो मुझसे बात करो। हेलो मैं बात करूँ? हाँ। हेलो हाँ महा बोलो। खैरियत? क्या वाकई? मैं उस ज़ॉम्बी वायरस की टांगे तोड़ दूंगी, आ रहे हम वापस। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। तद्दू आपका अकाउंट रिकवर हो गया है, साशा ने डीएक्टिवेट किया था अब्बा के खौफ से। हैं? अकाउंट रिकवर हो गया है? मेरे फॉलोअर जिंदा है, 1 मिलियन फॉलोअर जिंदा है, इसको निकालूंगा। मेरा मोबाइल का है? नहीं नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, आप बीमार हैं। अबे बीमार हो रहे तेरे बाप, हट यहाँ से। नर्स पुलिस एम्बुलेंस हटो हटो, हट जा, मेरे जूते का मेरे जूते, मेरे जूते, मैं जा रहा हूँ। चलो चलो देखो कितना फिट हूँ मैं, बिल्कुल फिट हूँ, मैं जा रहा हूँ। जूते जूते इधर ही भाई, चले इससे पहले कोई और इतला आ जाए। हाँ माँ का फोन है। ओए मेरे अब्बा से तमीज से बात करो। अच्छा चले तुम्हारे साथ कर लेता हूँ मैं, वैसे बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने अब्बा से। खबरदार माँ को मतलब किसी को भी कुछ कह दो वरना अच्छा नहीं होगा।
मुस्कुरा क्यों रही हो? कोई जाफरान का खेत देख लिया ख्वाब में? तुमने देखा था सरमद कैसे डट गया था डाकुओं के आगे? क्यूज मी, सरमद नहीं सरमद भाई बोलो। हाँ वही वही। वैसे बहुत ही आउटडेटेड स्टंट है ये आजकल के खामखा के हीरोज का। जहां लड़की को मुश्किल में देखो छलांग मार कर उतर आओ मैदान में, अब चाहे अगले चार दिन कमर की सिखाई में गुजर जाए। तुम कहाँ जा रही हो? नींद तो खराब कर दी, अब दद्दू को जाके देख लो। क्या जरूरत है फजूल में हीरो बनने की? क्या हो गया तुम्हें? उसने बंदूक वहां के कंधे पे रख दी थी, बर्दाश्त हुआ मुझसे? वाह भाई वाह, उनका कंधा बचाते बचाते अपने कंधे को हिला दिया और फिर हॉस्पिटल पहुंचे अपने दादा ससुर के पास हाजिरी लगाने। अरे यार उस वक्त तो दद्दू और डाकुओं के चक्कर मुझे फील नहीं हुआ, एक घर आया तो टीसे उठ रही है। इस मोहब्बत ने आपको टीसों के अलावा कुछ नहीं दिया, पहले फिटनेस के चक्कर में कमर हिला और अब अपने शोल्डर की ऐसी की तैसी फेर दी। मोहब्बत में ऐसा ही होता है ब्रो। वैसे हैरत की बात है कि पड़ोस में इतना बड़ा वाकया हो गया और घर वाले ऐसे अस्तबल बेच के सो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सख्ती से मिली को कहा है कि खबरदार हाथ भी ना लगा। क्यों भाई? जब जब ये सारी ओल्डर जनरेशन इकट्ठी होती है ना मेरा जुलूस निकलता है। जैसे भाई एक मशवरा दूं? हाँ ये ट्यूनिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे अजीब लगता है ना। नहीं भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, सोच लें, अपने आप को इस रिश्ते वाले मामले से कटा दें क्योंकि कुतुबी सितारे दिन में तारे दिखाने में बड़े मशहूर हैं। माहा ऐसी नहीं है, शेम ऑन यू। फिर आज वाकई मुझे समझ में आया कि मोहब्बत अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है, अंधी होती है। लेकिन लोग उस वक्त कहाँ थे जब दादी का इंतकाल हो गया था और दादू डिप्रेशन में चले गए थे और आप भी उन्हें छोड़ के यूएस चले गए थे अकेले। अब्बा आप उनकी इकलौती औलाद हैं, हम घर के बुजुर्गों को घर में रखे फर्नीचर की तरह ना अहमियत नहीं देते, हमें लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी करके हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। सॉरी, दद्दू को देखने आई थी, सोते हुए अक्सर कंफर्टर गिरा देते हैं पांव मारकर। अब्बा आई एम सॉरी, दद्दू को मैंने मशवरा दिया था टिकटॉक का। जानता हूं ऐसे जरखेज मशवरे तुम्हारे ही दिमाग से निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कंटेंट नहीं डाला है जिससे हम सबको शर्मिंदगी हो। ये भी जानता हूं वो ऐसा कर भी नहीं सकते।
जाने जाने।